नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हम लोग मंथली करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं और इसमें अभी तक हम लोग जनवरी से लेकर अक्टूबर महीने तक का करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं। और याद रखिए, इन क्लासों में केवल हम लोग करंट अफेयर्स को कवर नहीं कर रहे हैं, स्टैटिक जीके को भी हम लोग कवर कर रहे हैं। जो भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, उनका ऐतिहासिक बैकग्राउंड जो भी होता है, उन पर भी हम लोग विस्तार से बात करते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि इसमें लंबा टाइम भी लगता है। और याद रखिए, अब टाइम लंबा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है एक तरह से, तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी तो मिल रहा है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे नवंबर 2021 में जो भी आपकी घटनाएं घटी हुई हैं, उनसे आपकी परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन पर हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। और मुझे लगता है कि हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोगों ने पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखे भी होंगे। मान लीजिए कोई आप में से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा होगा, यानी कि यूपीएससी की, कई लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें आप देखिए एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और भी आपके सेंट्रल के जो एग्जाम होते हैं, एसएससी, रेलवे, समझ रहे हैं आप लोग, या बैंक, या फिर आप देखते होंगे कि जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम, जिनमें आप लोग एसआई देखते हैं, दरोगा, या फिर पुलिस, या आप देखते हैं टीचर्स भर्ती भी होती है आपकी, तो उनमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके, ठीक है। और इसके लिए एक सेपरेट आपकी प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है मंथली करंट अफेयर्स 2021 के नाम से, तो उसमें 12 महीने का आपका करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। वहां जाकर आप लोग पढ़ते रहिए। और इन सब की पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और या फिर आप लोग वेबसाइट से भी इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। चलिए फिलहाल हम लोग पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। नवंबर महीने का विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? इनका कहने का मतलब सीधा सा है कि जो आपका विश्व शाकाहारी दिवस है, एक कब मनाया जाता है, 1 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर या 5 नवंबर? तो याद रखिए, 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को ये मनाया जाता है। और एक तरह से आप देखिए, इसे मनाने का उद्देश्य है कि शाकाहारी खाने के प्रति अपनी रुचि बढ़ाएं, क्योंकि पर्यावरण को भी बहुत फायदा होता है इससे। और इसके अलावा पर्यावरण को बचाने के लिए, इस दिन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और विश्व शाकाहारी दिवस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस दिन की स्थापना 1994 में यूनाइटेड किंगडम में द वेगन सोसाइटी के तत्कालीन अध्यक्ष थे लुइस वालिस के द्वारा संगठन की स्थापना की गई थी। और 50वीं वर्षगांठ और वेगन और वेगनिज शब्दों के गणने के उपलक्ष्य में की गई थी इसे, ठीक है। 1 नवंबर को आपको मालूम होना चाहिए विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, तो इन्हें आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रसिद्ध व्यक्तित्व यूसुफ हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में इनकी मौत हो चुकी है, इनका निधन हो गया, यानी कि डेथ हो चुकी है, ये कौन थे आखिर, बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है गायक थे, बी कह रहा है आपके सामने अभिनेता थे या कवि थे, या फिर आपके न्यूरोलॉजिस्ट थे। तो याद रखिए, ये अभिनेता थे। और जैसा कि आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि 2020-21 आपका अभिनेताओं के लिए काफ़ी बुरा रहा है। आपने देखा है कि हमारे देश के कई, एक तरह से आपके अभिनेताओं की, जो एक्टर थे, इनकी डेथ हुई है। तो बॉलीवुड और टेलीविजन धारावाहिकों के दिग्गज अभिनेता थे यूसुफ हुसैन, इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। विवाह, धूम 2, खोया खोया चांद, क्रेजी कक्कड़, फैमिली और रोड टू संगम जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया हुआ था, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 वर्ष की उम्र में इनकी मौत हो चुकी है? अब आप सोचिए कि आजकल उम्र भी नहीं देखी जा रही है, नए नए, आप देखा होगा, नए नए एक्टरों की भी जान चली गई। ये मराठी के थे, कन्नड़ के थे, पंजाबी के थे, हरियाणवी के थे, तो याद रखिए कन्नड़ के थे। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि पुनीत राजकुमार काफ़ी अच्छे सफल एक्टर हैं, आप लोगों ने साउथ की मूवी भी देखी होंगी, इनकी जो हिंदी में डब होती है मूवी, उन्हें आप लोगों ने जरूर देखा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अफगानी खिलाड़ी असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है, वो किस खेल से संबंधित थे, क्रिकेट, फुटबॉल, बॉक्सिंग या फिर आपके बास्केटबॉल? तो याद रखिए, ये आपके क्रिकेट से जुड़े हुए थे। और अफगानिस्तान में क्या हुआ आप सभी जानते हैं, तालिबान का कब्जा हो चुका है और उसके बाद आप देखिए यहाँ के खिलाड़ियों को बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन
समुद्रयान लॉन्च किया गया है, बताइए बेंगलोर में, कानपुर में, चेन्नई में, देहरादून में? तो याद रखिए आपका कहाँ किया गया है, चेन्नई में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, इसमें क्या रहेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। भारत ने अपना पहला मानव युक्त समुद्री मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है, और आपको बता दूं कि इस मिशन का उद्देश्य यही है कि समुद्र की गहराई में अनुसंधान करना, और इस मिशन को चेन्नई शहर में लॉन्च किया गया है, और इस मिशन पर एक साथ 3 लोग 12 से 96 घंटे तक समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा गहराई में रिसर्च की गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कौन शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर का ईयर बना है? फिर से एक बार क्वेश्चन को सुन लीजिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लोग प्रश्न यानी कि क्वेश्चंस को समझ गए तो आप लोग 70-80% उसके करीब पहुंच जाते हैं आंसर देने की। कौन शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ ईयर बना है? तो याद रखिए VAX इसमें होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, VAX, और इसे आप लोग वैक्स भी कह सकते हैं, वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया इसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तमिलनाडु सरकार ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर से बदलकर कर दिया है, कब कर दिया है इसने, 11 अगस्त, 18 जुलाई, 27 फरवरी और 07 यानी कि अप्रैल। तो याद रखिए 18 जुलाई इसने कर दिया है। और वैसे तमिलनाडु के बारे में अगर हम बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि दक्षिण भारत में एक राज्य देखने को मिलेगा तमिलनाडु, और इसके बारे में और भी पॉइंट है, इसकी राजधानी भी बता देता हूँ। और एक बात याद रखिएगा, जब भी कभी आप लोग इस तरह के राज्यों का उल्लेख होता है तो उन राज्यों के बारे में जरूर आप लोग विस्तार से जान लिया करिएगा। आपकी चेन्नई इसकी राजधानी है, और आपको देखने को मिलेगा 26 जनवरी 1950 में इसे राज्य बनाया गया था। और यहाँ के अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो MK स्टालिन यहाँ के डीएमके पार्टी है ना, उसके एक तरह से चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ विधानसभा में देखेंगे आप तो 234 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें देखने को मिलेगी। ठीक है, चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति यूएई में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? यूएई में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं, पवन चौधरी, संजय चौधरी, मुकेश नायक, तेजपाल सिन्हा? तो याद रखना चाहिए आपको, ये संजय सुधीर होंगे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करें तो अबू धाबी इसकी राजधानी है। और फिर से आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, देखिए जब हम लोगों ने विश्व का भूगोल कवर किया था तो उस समय आप लोग जुड़े हुए होंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोगों ने मैप का जो पार्ट होता है विश्व के भूगोल में उसे मैप का सहारा लेकर विस्तार से पढ़ा था, और कई क्लासें हम लोगों ने ली हुई थी। तो आप लोग मैप के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं और आप लोग विस्तार से पढ़ सकते हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता का बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया हुआ है? इसमें आपका हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार? तो याद रखिए हरियाणा होगा इसमें, क्या होगा, हरियाणा होगा आपका। और इसके बारे में अगर हरियाणा के बारे में बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, कौन है बताइए, मनोहर लाल खट्टर, जो इनका बयान किसानों को लेकर काफी वायरल भी हुआ था, आलोचना भी हुई थी। 1 नवंबर 1966 में इनका जन्म हुआ था, किसका, मनोहर लाल खट्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को। और यहाँ विधानसभा सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी 90 सीटें, और राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। और एक बात और बता देता हूँ आपको, देखिए हमारे देश के किसानों की कितनी बुरी हालत है दुनिया जानती है, जग जाहिर है, आए दिन आपसे लोग सुनते रहते हैं किसानों ने सुसाइड किया हुआ है। तो मुझे लगता है खेती किसानी में कुछ सुधार होना चाहिए, किसानों के बारे में सोचा जाना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि किसान हमारे लिए हमारा पेट भरते हैं एक तरह से। अगला क्वेश्चन है, जारी हारून या हुरोन इंडिया में वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे बड़े दानवीर बने हैं, बताइए इसमें, मुकेश अंबानी, शिव नाडर, अजय प्रेम जी, नंदिनी नीले कनी, बताइए। तो याद रखिए इसमें आपके कौन बने हैं, अजीम प्रेम जी, दानवीर, दानदाता, समझ रहे हैं। दो हरून इंडिया ने वर्ष 2021 के भारत के सबसे परोपकारी लोगों की सूची जारी की हुई है, जिसमें दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो के फाउंडर हैं अजीम प्रेम जी पहले स्थान पर रहे हैं,
और आपको बता दें कि प्रेम जी ने वर्ष 2020-21 में 9,713 करोड़ रुपए दान किए हैं, यानी एक दिन में 27 करोड़ रुपए दान किए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर आप देखेंगे SCL टेक्नोलॉजीज के फाउंडर हैं शिवनारायण, इन्होंने 1,263 करोड़ रुपए दान किए हुए। तीसरे नंबर पर आपके मुकेश अंबानी हैं, जिन्होंने वित्त वर्ष 2021 में 577 करोड़ रुपए दान किए हुए, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया है? बीसीसीआई ने, बताइए इसमें से। ए ऑप्शन आपका क्या कह रहा है? राहुल द्रविड़, जहीर खान, सौरभ गांगुली, सुनील गावस्कर, बताइए कौन होंगे? तो आप सभी को मालूम होगा राहुल द्रविड़ हैं इसमें। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात हो रही है। इसे दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना की गई थी और मुंबई में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बार्कलेज बैंक के नए CEO बने हैं? M.K. चतुर्वेदी, C.S. वेंकट्स कृष्णन, T.S. पल्लानी स्वामी और पी एम नरसिम्हा। तो याद रखिए C.S. वेंकट कृष्णन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। अगर हम लोग बार्कलेज बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1896 में हुई थी लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है? तो ये आप लोग हेडक्वार्टर इसका लंदन यूनाइटेड किंगडम ही देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसने वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? ए ऑप्शन कह रहा है जॉन्टी फोर्स, बी कह रहा है एलन वाइक और सी कह रहा है कि डेमन गलगुट और डी कह रहा है रिचर्ड मूरे। तो याद रखिए इसमें आपके डेमन गलगुट होंगे, इन्हें ये 2021 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के उपन्यास डेमन गलगुट ने अपने उपन्यास द प्रोमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है। और बता दें कि डेमन को उनकी पिछली दो पुस्तकों के लिए चुना गया था, जिसमें उन्होंने रंगभेद के बाद दक्षिण अफ्रीका में एक श्वेत परिवार के चित्रण के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार को के लिए चुना गया, ठीक है? दक्षिण अफ्रीका आप सभी जानते हैं कि हमारे गांधी जी का यहाँ लदा हो रहा है, यहाँ कुछ समय आप ये रहे भी हैं। इसी वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर दिवस जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, बताइए? और 4 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 9 नवंबर। तो याद रखिए इसमें 7 नवंबर होगा आपका। क्या होगा? 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, और एक तरह से कैंसर के रोग के बारे में लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य रहता है इसका। देखिए आपको बता दूं, पहले सोचते थे कि कैंसर का इलाज कुछ भी नहीं है, लेकिन आजकल आप देखिए सब कुछ संभव हो चुका है और एक तरह से इसे लोगों को बचाया भी जा सकता है, बचाया जा सकता है या नहीं बचाया जा सकता है आप ही बताइए। विश्व यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे भी आपका कब मनाते हैं, बताइए? 4 फरवरी को दुनिया भर में विश्व कैंसर डे भी मनाया जाता है, तो उसे भी आप लोग याद रखिए। फिर मान लो चला कि आप लोग दोनों में कन्फ्यूज हो गए, समझ रहे हैं? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? चाइना की वांग यापिंग, लियू यांदोंग, चांग पी चियांग और एक है आपकी ई यू चैन। तो याद रखिए इसमें वांग यापिंग होंगी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और आप देखिए नाम यही कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के उल्टे सीधे नाम रहते हैं तो वो याद लंबे समय तक रहते हैं। तो अंतरिक्ष में इन्होंने वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष बनी है यात्री। आप देखते ना कि आप लोग कहते हैं कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, तो ये वो दिन दूर नहीं है जब आप लोग अंतरिक्ष का भी सैर कर रहे होंगे, अंतरिक्ष में भी आप लोग घूमने के लिए जाया करेंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति PTC इंडिया के नए CMD बने हैं? PTC इंडिया के नए CMD बने हुए हैं, राजीव कुमार मिश्रा, अहिर कुमार सेन, देवेंद्र प्रताप राव, मंगलचंद चौधरी। तो याद रखिए मई 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको USA में देखने को मिलेगा, ठीक है?
बोस्टन, समझ रहे हैं? तो पीटीसी को याद रखिएगा, इसमें राजीव कुमार मिश्रा होंगे आपके। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं अगला क्वेश्चन? संकल्प गुप्ता भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? 69वें, 71वें, 75वें और फिर 79वें। तो याद रखिए 71वें बने हुए हैं, ठीक है, 71वें नंबर के। क्या नाम है इनका? संकल्प गुप्ता। इन्होंने संकल्प लिया और बन गए, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। 71वें बन चुके हैं। और आपको बता दें कि संकल्प गुप्ता ने सर्बिया की अरांद जेलोवाक में GMS के 3 राउंड रोबिन प्रतियोगिता में 6.5 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहकर तीसरा ग्रैंड मास्टर नाम नरम हासिल किया हुआ है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस राज्य की सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की हुई है? दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बताइए। तो आपको बताना बता दूं कि दिल्ली होगा इसमें, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए दिल्ली की जब बात होती है तो मुझे लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात काफ़ी आजकल हो रही है, और कहा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, समझ रहे हैं? तो दिल्ली हमारी राजधानी भी है, और आप सभी को मालूम है कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल साहब। और यहाँ विधानसभा सीटें 70 देखने को मिलेगी, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेगी। इन्हीं ने एक श्री श्रमिक मित्र योजना शुरू की हुई है, और सरकारी योजनाओं का लाभ में दिलाने के लिए श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई 2021 के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला हुआ है? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की बात हो रही है। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, कहाँ किसे मिला है, कुछ बता पाओगे? तो इसमें याद रखिए गुजरात होगा आपका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। और इसके बारे में अगर और भी अगर आपसे पॉइंट बात की जाए, गुजरात, गुजरात के पीएम मोदी अभी गुजरात के ही हैं, होम मिनिस्टर भी हमारे गुजरात के ही हैं। तो ये ऐसे इस वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। और बता दें गुजरात के बाद हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र का स्थान आता है। उत्तर प्रदेश इस स्थान में आपको बता दूं 13वें स्थान से 6वें स्थान पर आ गया है, तो उत्तर प्रदेश भी में भी सुधार हुआ है। गुजरात के बारे में आपको बता दूं कि 1 मई 1960 को इसे राज्य बनाया गया था। गांधीनगर इसकी राजधानी है। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और विधानसभा में 182 सीटें हैं, और राज्यसभा में 11 सीटें हैं, और लोकसभा में 26 सीटें देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना की बात हो रही है। इसमें ए ऑप्शन है आपका एम जमन महेश्वरी, एल श्री गजानंद, आर हरि कुमार, वाई आर नीलेश। तो बताइए इसमें क्या लगाओगे? आर हरि कुमार, आर हरि कुमार, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसमें क्या रहेगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। देखिए भारतीय नौसेना के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सेनाओं का एक हिस्सा है भारतीय नौसेना, और आप देखते हैं समुद्र से भी तो हमारे ये देश की रक्षा कर होनी होती है, तो समुद्र में ये काम करते हैं एक तरह से। और 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप देखिए आजकल आतंकी घटनाएं पानी के जरिए लोग आकर भी करते हैं, आतंकी आ जाते हैं, समझ रहे हैं? मुंबई आपने देखा होगा आतंकी हमला। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन पुरुष खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं? देखिए इसमें महिलाएं भी होती हैं और पुरुष भी होते हैं, तो दोनों को आप लोग याद रखा करिए, और हर महीने में आप देखते हैं कि ये चुने जाते हैं। ग्लेन मैक्सवेल, आसिफ अली, जोस बटलर, इवोन मॉर्गन। तो याद रखिए इसमें आसिफ अली होंगे। कौन होंगे? आसिफ अली। और ICC की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसे आप लोग कहते हैं, और इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको दुबई में यूनाइटेड अरब अमीरात में देखने को मिल जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन हम लोग अगर देखें तो कौन महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से चुनी गई हैं? इसमें है आपकी गेमी लुइस, बी कह रहा है लारा डिलानी, और सी कह रहा है आन मुसुंडा और सोफी डिविन। तो याद रखिए लारा ड्रिलानी होंगी इसमें, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री कोझिकोड शारदा का
84 वर्ष की उम्र में डेथ हो चुकी है, इनकी मौत हो चुकी है। मलयालम, कन्नड़, मराठी, भोजपुरी, तो याद रखिए मलयालम होगा इसमें। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभिनेत्री और अभिनेत्राओं के लिए एक तरह से ये साल काफी खराब रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है। हर साल 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है और किनकी याद में मनाया जाता है। तो 11 नवंबर को मनाया जाता है, एक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर क्वेश्चन पूछता है कब मनाया जाता है तो आप लोग 11 नवंबर लगा देंगे, लेकिन किनकी जयंती पर मनाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद, या फिर आपकी सी ऑप्शन है इसमें APJ अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी। तो याद रखिए इसमें मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद होंगे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बात करें तो इनके बारे में 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, और शिक्षा पहले शिक्षा मंत्री थे हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में इस तरह से मनाया जाता है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 11 सितंबर 2008 को इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया था। और इनकी अगर हम लोग बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, इन्हें अबुल कलाम भी गुलाम मुईउद्दीन भी कहते थे, 11 नवंबर 1988 में इनका जन्म हुआ था और 22 फरवरी 1958 में इनकी डेथ हो गई थी। पहले हमारे शिक्षा मंत्री थे, ये आप लोग जरूर याद रखिए, पहले हमारे क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या इनका रुतबा रहा होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, बताइए, अमित राव सिंह, शैलेंद्र प्रताप सिंह, सील वर्धन सिंह, गोविंद सिंह नागर। तो याद रखिए इसमें सील वर्धन सिंह होंगे, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का इन्हें नया प्रमुख नियुक्त किया गया। और अगर हम लोग सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो आपको बता दूं कि 10 मार्च 1969 में इसका इनका क्या हुआ था, गठन हुआ था, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जारी ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स की बात हो रही है, 12वां, 18वां या 20वां या फिर आपका 24वां, बताइए, कुछ बता पाओगे या मैं ही बताऊं। तो इसमें याद रखिए 30 देशों में से भारत को 18वां स्थान मिला हुआ है। ठीक है, इस सूचकांक में नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया को मानवीय और स्वास्थ्य संचालित दवा नीतियों पर शीर्ष 5 देशों में के रूप में स्थान दिया गया है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, और याद रखना भी चाहिए मेरा मानना है, ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी की बात हो रही है। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, नॉर्वे पहले नंबर पर है और ब्राजील सबसे नीचे है, 30वें नंबर पर है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। भारत को 18वां स्थान मिला है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस की बात हो रही है, कब मनाया जाता है, 12 तारीख को यानी कि 12 नवंबर, 10 नवंबर या 14 नवंबर या 15 नवंबर। तो याद रखिए आपका 12 नवंबर को मनाया जाता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्या 12 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। और आपको बता दूं कि निमोनिया के बारे में जागरूकता करने के लिए मनाया जाता है। निमोनिया वायरस या बैक्टीरिया के कारण होने वाला श्वसन संक्रमण है जिसके कारण एक या दोनों फेफड़ों के ईयर सेक्स में सूजन आ जाती है और हवा की थैली तरल पदार्थ से भर जाती है, जिससे कफ या मवाद के बाद खांसी आने लगती है, बुखार, ठंड लगने और सांस लेने में कठिनाई होती है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हो सकती है, ये आप लोग याद रख सकते हैं, याद रखोगे या नहीं रखोगे, क्या कुछ तो मुझे लगता है याद रखना चाहिए। स्टॉप निमोनिया एवरी ब्रीथ काउंट्स इस बार की थीम रखी गई है 2021 की।
ये आप लोग मालूम होना चाहिए, क्या नहीं रहेंगे मालूम। क्या रखी गई इस साल की थीम? स्टॉप निमोनिया एवरी ब्रीथ काउंट्स रखी गई इस बार की थीम। और 12 नवंबर 2009 को पहली बार ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया द्वारा वर्ल्ड निमोनिया डे सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है, 2009 में 12 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे? एफ डब्ल्यू डी क्लार्क का 85 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो चुकी है, मौत हो चुकी है, बताइए निधन हो गया है, कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका या फिर आपके सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, युगांडा। तो याद रखिए दक्षिण अफ्रीका के थे। वैसे दक्षिण अफ्रीका के बारे में बता देना चाहिए मुझे, इसकी राजधानी क्या है दक्षिण अफ्रीका की, बताइए कुछ आप लोग ही बता दीजिए। आप सभी जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में आपको देखने को मिलेगा दक्षिण अफ्रीका, और इसकी राजधानी क्या है? पिट्टोरिया। कार्यपालिका राजधानी पिट्टोरिया, न्यायिक राजधानी बिलोम फाउंटेन, और विधायी राजधानी कैफ टाउन, ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? के साईनाथ, आर एस खरी, दीपक जोशी, मित्राव गुहा। तो याद रखिए मित्राव गुहा होंगे इसके, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। कौन व्यक्ति नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं? गिरधारी बैरवा, हरजीत राठौर, सत्यनारायण प्रधान, सुरेश दारूवाला। तो याद रखिए सत्यनारायण प्रधान होंगे इसमें, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के ये नए महानिदेशक बने हुए। देखिए नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करें तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसकी अगर हम लोग एजेंसी, पेरेंट एजेंसी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन व्यक्ति राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं? आज हम लोग राज्यसभा के बारे में भी आपको बहुत सारे पॉइंट बताने वाले हैं, क्योंकि आपको बता दूं राज्यसभा लोकसभा से क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में काफी अच्छी संख्या में भी आ जाते हैं कभी, सही समझ रहे हो? तो ए के चक्रवर्ती, सीजे गुप्ता, पीसी मोदी, के माधव, बताइए कौन है इसमें? तो इसमें पीसी मोदी साहब होंगे, पीसी मोदी, प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, याद रखिए। और इसके चेयरपर्सन है एम वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति इसके सभापति होते हैं, लेकिन याद रखिए सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, जरूर आप लोगों को याद रखना होगा। जैसे मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा सदस्य ही लोकसभा अध्यक्ष होता है, लेकिन अगर हम लोग राज्यसभा सदस्य राज्यसभा अध्यक्ष की बात करें यानी कि सभापति की बात करें तो इस मामले में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। जो राज्यसभा का सभापति यानी कि अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य भी नहीं होता है, लेकिन उपसभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य जरूर होता है। ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया है। और राज्यसभा में आपको बता दूं कि 245 सीटें देखने को मिलेगी, 333 तो इलेक्टेड होते हैं इसमें, विधायक जो आपके देखते हैं ना उनके द्वारा चुने जाते हैं। 12 नवंबर एक तरह से 12 क्या होते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। पहली बार राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 में आया था, ये आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रतिवर्ष पूरे भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बाल दिवस आप लोगों ने सुने हैं या नहीं सुने हो? तो 14 नवंबर, 15 नवंबर, 19 नवंबर, 24 नवंबर। तो आप सभी को मालूम होगा कि 14 नवंबर को ये मनाया जाता है। कब? 14 नवंबर को बाल दिवस पूरे भारत में चिल्ड्रेन डे मनाते हैं हम लोग। और आपको बता दूं कि पहले प्रधानमंत्री थे ना पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी जयंती का प्रतीक है। और बच्चों द्वारा प्यार से चाचा नेहरू कहे जाने वाले देश के प्रधानमंत्री ने बच्चों के सर्वांगीण शिक्षा की वकालत की जिससे भविष्य में एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। और जवाहरलाल नेहरू बच्चों को राष्ट्र का असली ताकत और समाज की नींव मानते थे। और आप सभी जानते हैं देखिए कि अगर आज आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो हमें एक तरह से आप देखिए अपने परिवार की स्थिति सुधार पाएंगे और देश की स्थिति सुधार पाएंगे। वो कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन नहीं होते हैं। अब आप सोचिए भूखे पेट आप भुखमरी से जूझ रहा है कोई देश, वो कहाँ तरक्की कर पाएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप सभी जानते हैं कि ये पहले प्रधानमंत्री थे हमारे, और 14 नवंबर 1889 में इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में, और 27 मई 1964 में इनकी न्यू दिल्ली में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने,
वर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? और आप सभी को मालूम है कि डायबिटीज डे की बात कर रहा हूँ, जेम्स डी वाटसन, फेडरिक वेंटिंग और एलिजाबेथ ब्लैकबर्न, माइकल विसो। तो इसमें आपका क्या होना चाहिए? फेडरिक वेंटिंग, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। मधुमेह दिवस डायबिटीज डे की बात हो रही है। एक तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए, आपको बता दें कि मधुमेह बीमारियों को लेकर लोगों को बीच जागरूकता बढ़े, इस उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। और आप जो 14 नवंबर होता है ना, सर फेडरिक वेंटिंग का जन्मदिन मनाया जाता है, जिन्होंने वर्ष 1922 में चार्ल्स वेस्ट की साथ मिलकर इंसुलिन की खोज की थी, तो उन्हीं की याद में एक तरह से इसे मनाते हैं। और आप देखिए कि बहुत सारे लोग डायबिटीज अधिक मिल जाएंगे आपको। तो 14 नवंबर 1891 को इनका जन्म हुआ था, 21 फरवरी 1941 में इनकी डेथ हो गई थी, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, विश्व मधुमेह दिवस। और इस बार की थीम क्या अलग रखी गई थी इसकी? डायबिटीज डे की बात कर रहे हैं, 12 नवंबर कब, 14 नवंबर को जो मनाई जाते हैं उसी की बात हो रही है यहाँ। वर्ल्ड विश्व मधुमेह दिवस, इसके इतिहास की बात करें तो देखिए, इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी इस दिन को मनाने की, ठीक है। तो ये आप लोग, इस बार की थीम की बात करें तो इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन हर साल वर्ल्ड डायबिटीज डे को मनाने के लिए खास थीम रखता है, और इस साल के लिए डायबिटीज केयर तक पहुंच, यदि अभी नहीं तो कब, ये इस बार की थीम रखी गई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब जीता है? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया ने जीता हुआ है। आप सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है, समझ रहे हैं, प्रशांत महासागर से आप देखेंगे लगा हुआ है एक तरह से ऑस्ट्रेलिया। इसकी ऑस्ट्रेलिया की देश की अगर राजधानी की हम लोग बात करें तो कैनबरा इसकी राजधानी है, और सिडनी सबसे बड़ा एक तरह से इसका नगर है। इसके बारे में भी विस्तार से बात की हुई, वहां जाओगे आप लोग तो देख पाओगे। बीसीसीआई ने किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख बनाया हुआ है? राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का ने अगला प्रमुख बनाया हुआ है बीसीसीआई ने। इसमें सचिन तेंदुलकर, BBS लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग और आपकी गौतम गंभीर, गौतम गंभीर कौन होंगे? तो याद रखिए BBS लक्ष्मण होंगे इसके। और BCCI की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी की बात करें तो राज सिंह, ए आपको बता दूं, 2000 सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा गया है? भोपाल आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो इसमें रानी कमलापति, रानी पद्मावती, रानी मस्तानी, रानी लक्ष्मीबाई। तो याद रखिए रानी कमलापति, और रानी कमलापति महल भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा भोपाल में, वीरांगना थी। और आप सोचिए कि उस समय ये वीरांगना थी जब हमारे देश में महिलाओं के साथ बड़े स्तर पर भेदभाव किया जाता था, उन्हें घर से नहीं निकाल दिया जाता था। तो ये भी आप लोग, अभी किसके नाम से जाना जाएगा? रानी कमलावती। ये आप लोग, ये आप देखेंगे वीरांगना रानी थी, एक भोपाल से 40 किलोमीटर के करीब दूर स्थित गिन्नौरगढ़ के गोंड राजा निजाम शाही की पत्नी थी, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? ताजा जारी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़ कर कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है? और आप लोग अंदाज लगाइए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस, कौन होगा? चीन होगा, हमारा पड़ोसी है चीन, बीजिंग इसकी राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश, और आपने देखा होगा लद्दाख को लेकर काफी बहस भी करता रहता है हमसे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं कि मीडिया यानी कि प्रेस को हम लोग एक तरह से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं, लेकिन आज क्या हालत है आप सभी जानते हैं, 12 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर। तो याद रखिए 16 नवंबर को ये मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बात कर रहा हूं मैं, 16 नवंबर को। तो आप लोग याद रखिएगा।
देखिए पूरे भारत में मनाते हैं इसे, और प्रेस की आज़ादी के महत्व को के प्रति लोग जागरूक रहें, मीडिया भी जागरूक रहे, इस लिए मनाया जाता है। ठीक है, और भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है, और आप सभी जानते हैं कि जो हमारा भाग संविधान का भाग 3 है, इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीयों को एक दिए गई अभिव्यक्ति की आज़ादी के मूल अधिकार से सुनिश्चित होती है मीडिया की स्वतंत्रता भी। लेकिन आप देखिए कि क्या हाल है हमारे यहाँ मीडिया का, आप सभी जानते हैं। और जब मीडिया निष्पक्ष नहीं रहेगी तो देश का क्या हाल होगा, आप सभी जानते हैं इस बात को, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व मन्नू भंडारी, इनका इनका 91 वर्ष की उम्र में डेथ हो चुकी है, मौत हो चुकी है, निधन हो गया। एक क्या थी, लेखिका, अभिनेत्री, गायक, गणितज्ञ। तो याद रखिए लेखिका थी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें। क्या रहेगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। आपको बता दें कि महाभोज और आप बंटी जैसे प्रसिद्ध उपन्यास की रचनाकार रही हैं। तो 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के भानपुरा में जन्मी थी ये। ठीक है, एक साहित्यकार का नाम सुना होगा, राजेंद्र यादव की पत्नी थी। इन्होंने अपना मिरंडा हाउस जो कॉलेज दिल्ली में देखने को मिलेगा ना, इसमें अपनी सेवाएं भी दी, शिक्षक भी रहे। किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गांव मिला है, बताइए। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लिए, किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है, ये बताइए कहाँ है। केरल, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक। तो याद रखिए कर्नाटक में आप कहाँ, तेलंगाना में देखने को मिलेगा, कहाँ, तेलंगाना में देखने को मिलेगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात करें, विश्व पर्यटन संगठन के बारे में, तो इसकी 1 नवंबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। मैड्रिड स्पेन में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूएन की, तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और न्यूयॉर्क में यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। एक बात और आपको बता देता हूँ कि जो भी आपके राष्ट्रीय स्तर के संगठन हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन हो, उन सबको हम लोगों ने कवर कर लिया है। और आप सभी लोग अगर पुराने क्वेश्चंस पेपर अपनी परीक्षाओं के उठा के देखे होंगे, तो आप लोगों को मालूम भी होगा कि अच्छी खासी संख्या में आपके क्वेश्चंस संगठनों से पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि सिविल सर्विस में भी 2-3-4 क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें पढ़िएगा, अगर कोई रह गया हो तो उसे बताइए, उसे भी कवर करवा देंगे। तेलंगाना की आप सभी जानते हैं, आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 में राज्य बनाया गया था, और हैदराबाद इसकी राजधानी है। और यहाँ के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 2 सदनीय यहाँ विधान मंडल है, विधान परिषद, यहाँ 40 सीटें हैं विधान परिषद में, विधानसभा में 119 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 7 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में 17 सीटें देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं, दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के का नाम किनके नाम पर रखा गया है, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर, अरुण जेटली, जॉर्ज फर्नांडिस, बताइए। मनोहर पर्रिकर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मनोहर पर्रिकर को तो आप लोग जानते होंगे, और रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान की बात हो रही है, जिसे आप लोग शॉर्ट में IDSA भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे 11 नवंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, पता है। और मनोहर पर्रिकर के बारे में तो आपको मालूम होना चाहिए, गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे थे भारतीय जनता पार्टी के। और 13 दिसंबर 1955 में इनका जन्म हुआ था, और 17 मार्च 2019 में इनका डेथ हो गई थी। ठीक है, और अब बात करें गोवा की, अगर बात कर लें क्योंकि गोवा का उल्लेख हुआ है यहाँ, तो आप सभी जानते हैं गोवा पर पुर्तगालियों का बहुत लंबे समय तक एक तरह से क्या रहा है, शासन रहा है, रहा था या नहीं रहा था। और गोवा के राज्य की तो 30 मई 1987 में इसे राज्य बनाया गया था, 30 मई। और यहाँ अगर बात करें तो देखिए इसकी पणजी यहाँ की राजधानी है, और यहाँ के अभी प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान। और यहाँ आप लोग राज्यसभा में 1 सीट है, और लोकसभा में 2 सीटें हैं, और विधानसभा में 40 सीटें देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुला है। घास संरक्षण केंद्र उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, माकरी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर। तो याद रखिए ये उत्तराखंड में खोला गया है, कहाँ,
उत्तराखंड में खोला गया है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, कहाँ? उत्तराखंड में। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के रानीखेत में खुला है, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि घास संरक्षण केंद्र करीब 2 एकड़ में फैला हुआ है। इस संरक्षण क्षेत्र में लगभग 100 विभिन्न घास प्रजातियां आपको देखने को मिलेगी, उनका एक तरह से उन्हें बचाया जा रहा है, उनके महत्व के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है, ठीक है। और उत्तराखंड के बारे में बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 9 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था, उत्तर प्रदेश से अलग करके। इसकी राजधानी देहरादून है, विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। कितनी? 5 सीटें हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री काफ़ी बदले गए, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए द्वारी राशन योजना शुरू की हुई है, राशन पहुंचाने के लिए? तो आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो याद रखिए पश्चिम बंगाल है, क्या होगा? पश्चिम बंगाल होगा इसमें। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री, ठीक है। कोलकाता इसकी राजधानी है, 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। और आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटें कितनी हैं, 294 सीटें हैं। कितनी? 294 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी, पश्चिम, वेस्ट बंगाल भी कहते हैं आप लोग। 26 जनवरी 1950 को इसे राज्य बनाया गया था। और इसमें अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो 42 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 16 सीटें देखने को मिलेगी आपको यहाँ, ठीक है। बांग्लादेश से लगा हुआ है, यही बांग्लादेश आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जारी वर्ष 2021 के व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 76वां, 79वां, 82वां, 89वां? तो याद रखिए 82वां मिला हुआ है भारत को। क्या मिला है? 82वां, इसमें 82वां स्थान मिला है। और पिछले वर्ष भारत 77वें स्थान पर था। उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला, इरिटिया में सबसे अधिक व्यावसायिक रिश्वत कोरी होती है, जबकि डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन, न्यूजीलैंड में सबसे कम देखने को मिलेगी, ठीक है। और आप देखिए व्यापार भी आसानी से लोग वहीं कर पाएंगे जहां रिश्वत कम लगेगी, ईमानदारी का से काम होगा। अब आप देखिए किसी व्यापारी को अगर परेशान किया जाता है तो वो कहां जाएगा, उस देश में या राज्य में। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, इस वर्ष की किस तारीख को यह जयंती मनाई गई, 19 नवंबर, 20 नवंबर, 18 नवंबर, 16 नवंबर? तो याद रखिए 19 नवंबर को मनाई गई। गुरु नानक के बारे में पढ़े, गुरु नानक जयंती उसी की बात हो रही है। गुरु नानक का 15 अप्रैल 1469 में इनका जन्म हुआ था, 22 सितंबर 1539 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है, नासिक, जलगांव, गुरुग्राम, जोधपुर? तो गुरुग्राम में किया गया है, भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर शुरू किया गया है। और इससे आपको बता दूं कि ये गुरुग्राम में भारत की अपनी तरह की पहली 3.25 यानी कि 3.23 करोड़ रुपए की लागत से मत्स्य पालन बिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर स्टार्टअप का उद्घाटन किया गया है। और यह सेंटर मछली पालन के से जुड़े उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए मौजूदा बाजार इस परिस्थिति में अनुसार उनके बिजनेस को बढ़ावा देने में काफी मददगार भी साबित होगी, गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? नई सरकार के आने के बाद आपने देखा है कि विश्व शौचालय दिवस यानी कि शौचालय तो घर घर बनाए गए, इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए। 19 नवंबर को, 16 नवंबर को, 20 नवंबर को, 25 नवंबर को? तो याद रखिए 16 नवंबर को, माफ करिए 19 नवंबर को ये मनाया गया था। कब? 19 नवंबर को ये मनाई जाती है। और एक तरह से आप देखिए स्वच्छता के प्रति लोग जो जागरूक रहे, शौचालय बनी है तो उसमें करने के लिए भी तो या उसका उपयोग तो करें कि ऐसे ही बना लो। साल 2001 में एनजीओ वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करने वाले सिंगापुर के जैक सिम ने एक निश्चित पहल के तहत वर्ल्ड टॉयलेट डे की शुरुआत की हुई थी, ठीक है। और इस बार की अगर थीम की बात करें तो इस बार की साल वर्ल्ड टॉयलेट डे की थीम शौचालयों के मायने रखी गई है 2021 की। तो आप लोग शौचालयों के मायने, खुले में ना जाए लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जारी केंद्र सरकार की स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे अच्छा रहा है, सबसे ऊपर रहा है?
सूरत, इंदौर, चंडीगढ़, कानपुर। तो याद रखें इंदौर है, ये मध्य प्रदेश का शहर है, और आप देखेंगे काफी साफ स्वच्छ शहर देखने को मिलेगा। इंदौर शहर लगातार 5वीं बार टॉप पर बना हुआ है, और स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में सबसे स्वच्छ शहरों में दूसरा स्थान सूरत को और तीसरा स्थान विजयवाड़ा को मिला हुआ है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को भारत का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया, और सर्वेक्षण में वाराणसी को स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त मिला है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, इंदौर टॉपर, और राज्यों में बात करें तो छत्तीसगढ़ पहले पर। छत्तीसगढ़ के बारे में आप सभी जानते होंगे, भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 1 नवंबर सन 2000 में से यहाँ राज्य बनाए गए थे इसे। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसी इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना है? बैडमिंटन विश्व महासंघ की बात हो रही, BWF की। साइना नेहवाल, कैरोलिना मरिन, प्रकाश पादुकोण और तौफीक हिदायत। तो याद रखिए प्रकाश पादुकोण होंगे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें, यानी कि विश्व बैडमिंटन संघ की, तो 5 जुलाई 1934 को इसकी स्थापना हुई थी। मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 18 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर। तो 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व टेलीविजन दिवस की बात हो रही है, कब? 21 नवंबर को। और इसे मनाने का उद्देश्य यही होता है, एक तरह से 1996 में यूनाइटेड नेशंस नेशन टेलीविजन को आम जिंदगी में बढ़ता देख 21 नवंबर 1996 को वर्ल्ड टेलीविजन डे के रूप में मनाने की घोषणा की हुई थी। और याद रहे कि अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन लॉगी बेयर्ड ने साल 1927 में टेलीविजन का आविष्कार किया हुआ था, ठीक है, और आखिरकार साल 1934 में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रूप में आ गया। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। कौन व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के स्थायी CEO नियुक्त किए गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात हो रही है, ICC की बात हो रही है। ICC के बारे में बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी, और दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें जोफ एलार्डिस है, और बी कह रहा है इसमें कि जॉन फेलिक्स, मार्क हैरिस, डेविड लिजार्ड। तो याद रखिए जियोप एलार्डिस होंगे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल सही है, क्या है? बिल्कुल सही है। हम लोग कितने पीछे पहुंच चुके हैं, एक बटन दब जाए तो कहाँ पहुंच से कहाँ पहुंच जाते हैं, आप समझ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ये आपका अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। जारी वर्ष 2021 की IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान दिया गया है? बताइए, इसमें आपका है बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक। तो आप देखिए कि आंध्र प्रदेश को दिया गया है, किसे? आंध्र प्रदेश को दिया गया है टॉप स्थान, किसे? आंध्र प्रदेश को दिया गया है। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला हुआ है, और इंडेक्स में 8.11 स्कोर है आंध्र प्रदेश का, और सबसे आखिरी पायदान पर बिहार को मिला हुआ है 5.74 स्कोर। और मुझे लगता है कि आप सभी जानते भी होंगे, और यूपी के स्कोर की बात करें तो 5.81 स्कोर है। तो आप लोग समझ सकते हैं, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना है, असम है, केरल है और सिक्किम है। और इसका उद्देश्य यही होता है कि देश की जनता पुलिस व्यवस्था में कितनी संतुष्ट है, और उत्तर प्रदेश बिहार में कितनी संतुष्ट रहती है, ये आप लोग बेहतर जानते हैं, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश आपका। इसकी राजधानी क्या है? अमरावती इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे यहाँ सीटों की अगर हम लोग बात करें तो जगनमोहन रेड्डी यहाँ के कौन मुख्यमंत्री हैं, और विधानमंडल में 2 सदनीय है, विधान परिषद भी है जिसमें 58 सीटें हैं, विधानसभा में 176 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की हुई है?
किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? यूनाइटेड किंगडम, अल सल्वाडोर और दक्षिण अफ्रीका, आइवरी कोस्ट। तो याद रखिए अल सल्वाडोर ने की हुई है। अल सल्वाडोर किस महाद्वीप में है आप लोग बताइए। तो मध्य अमेरिका में स्थित सबसे छोटा और सघन देश देखने को मिलेगा आपको अल सल्वाडोर। और इसकी अगर बात करें हम लोग सिटी की, तो राष्ट्रपति, यहाँ के राष्ट्रपति हैं नायब बुकेले ने अपने देश की अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाने के लिए क्रिप्टो करेंसी पर बड़ा दांव लगाने का ऐलान किया। उन्होंने अब दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा करी है और शहर का ला यूनियन के ईस्टर्न रीजन में बनाया गया जाएगा। इसे ज्वालामुखी के जरिए जियो थर्मल पावर दिया जाएगा। इसके अलावा इस पर वेट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स के अलावा अन्य कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। अल सल्वाडोर की राजधानी की बात करें तो सान सल्वाडोर इसकी राजधानी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, तमिलनाडु क्रिकेट टीम में ने कौन सी बार सैयद मुश्तफा अली ट्रॉफी का खिताब जीता हुआ है? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। तो याद रखिए तीसरी बार जीता हुआ है। तमिलनाडु के बारे में बात बता देता हूँ कुछ पॉइंट, आप लोग कहोगे तमिलनाडु के बारे में बताइए। तो तमिलनाडु को राज्य कब बनाया गया था, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है। अभी बता भी चुका हूँ कुछ समय पहले, आप लोग भूल गए हो। 26 जनवरी 1950 को इसे राज्य बनाया गया था और चेन्नई इसकी कैपिटल है और यानी कि राजधानी है चेन्नई। और यह आपको विधानसभा में देखने को मिल जाएंगी 234 सीटें, लोकसभा में 39 सीटें हैं और राज्यसभा में 18 सीटें हैं। एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कितने जल्दी अगला क्वेश्चन आ जाता है नीचे से ऊपर तक। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, विदेश मंत्रालय ने किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? बताइए सूडान में किसे भारत का नया अगला राजदूत नियुक्त किया हुआ है? बी एस मुबारक, के छत्रपति, आर के ठाकुर, टी एस मदन। तो याद रखिए बी एस मुबारक इसमें होंगे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सूडान की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि उत्तरी पूर्व अफ्रीका में स्थित एक देश है सूडान। ठीक है, और इसकी राजधानी की बात करें तो आपको बता दूं कि इसकी राजधानी है खार्तूम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन डू ह्रान का? 90 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया के थे, दक्षिण अफ्रीका के, म्यांमार के, वियतनाम के। तो याद रखिए दक्षिण कोरिया के थे। कहाँ के? दक्षिण कोरिया के थे। उत्तर कोरिया तो आप सभी जानते हैं कि किस तरह का तानाशाही देश है, लेकिन दक्षिण कोरिया ठीक ठाक है, आप सभी को मालूम होगा। इसकी राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो सियोल इसकी राजधानी है। ठीक है, और प्रशांत महासागर के देखने पास देखने को मिलेगा आपको चाइना के पास। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात हो रही है 25 नवंबर, 26 नवंबर, 28 नवंबर, 30 नवंबर। तो याद रखिए आपका 26 नवंबर को मनाया, क्या मनाते हैं? 26 नवंबर को ये मनाया जाता है आपका। ये आपको इसके बारे में कुछ और पॉइंट अगर बताए जाएं तो 2001 से प्रतिवर्ष 1 जून को दिवस मनाया जाता है। और 2021 की अगर थीम की बात करें तो पर्यावरण पोषण के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता पर केंद्रित है ये। ठीक है, और खाद्य कृषि संगठन के बारे में सुने हो? इसके द्वारा वर्ष 2001 से प्रतिवर्ष इसे मनाने की घोषणा हुई थी। अब आप कहोगे बता दीजिए इस संगठन के बारे में, खाद्य एवं कृषि संगठन के बारे में, इससे भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछ लेता है। तो इसमें 16 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने, प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 26 तारीख को, 25 तारीख को, 28 तारीख को, 29 तारीख को। तो याद रखिए 26 तारीख को मनाया जाता है। एक बात और मैं बता दूं आपको कि देखिए 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान लागू हुआ था कुछ प्रावधानों के साथ, तो उसी डेट को आप लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल के में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं इंटरपोल में? बताइए, अमित देवगन, जयेश प्रजापत, आदिल महमूद और प्रवीण सिन्हा। तो याद रखिए प्रवीण सिन्हा होंगे इसमें। इंटरपोल के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 में हुई थी वेना ऑस्ट्रेलिया में, और इसका फ्रांस में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के बारे में सुने हैं, जिसे आमतौर पर आप लोग
इंटरपोल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की हुई है? साइबर तहसील बनाने की, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो याद रखिए मध्य प्रदेश होगा इसमें, क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की हुई है। और साइबर तहसील, भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा हुई है मध्य प्रदेश में। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यों में सरलता लाना। साइबर तहसील बन जाने के बाद अब व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति होने की बाध्यता नहीं होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी और जमीनों के अविवादित नामांतरण के लंबित मामलों का निराकरण के लिए अलग साइबर तहसील यानी हाईटेक राजस्व कोर्ट का गठन भी होगा। और मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश को राज्य बनाया गया था, आप सभी को मालूम होना चाहिए। इसका पुनर्गठन सन 2000 में हुआ था, 1 नवंबर सन 2000 में। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का जब तक हिस्सा था तो फर्स्ट नंबर पर यानी कि पहले नंबर पर क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश था। अभी अभी वर्तमान की बात करें तो दूसरे नंबर पर। भोपाल इसकी राजधानी है और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ विधानसभा में 230 हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें देखने को मिलेगी। यहाँ के हाईकोर्ट का अगर मुख्य ब्रांच की बात करें तो जबलपुर में है। अगर उसकी बात करें यहाँ इसकी खंडपीठ की तो आपको इंदौर में देखने को मिल जाएगी, ग्वालियर में देखने को मिल जाएगी। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। जारी नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य बना है? और मुझे लगता है कि आप लोग अंदाजा तो लगा सकते हैं इसमें, केरल, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड। तो याद रखिए बिहार क्या होगा, बिहार होगा इसमें। आप देखिए कि बिहार काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और क्या बोले इसके बारे में, आयोग फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स यानी कि MPI जारी की है। इसके मुताबिक बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश भारत के सबसे गरीब राज्यों में उभरे हैं। इसके अलावा नीति आयोग की इस रिपोर्ट में केरल, गोवा, सिक्किम में सबसे कम गरीबी वाले राज्य रहे। केरल सबसे टॉप पर है और बिहार सबसे नीचे है, ठीक है, ये याद रख सकते हैं। और बिहार के बारे में वैसे आप लोगों को अगर बताऊँ यानी कि बात करूँ तो नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, पटना इसकी राजधानी है, आप सभी जानते हैं नीतीश कुमार को। तो और राजनीति अगर आपको सीखनी है, सत्ती गद्दी पर रहना सीखना है तो नीतीश कुमार से सीखिए। कोई भी चुनाव जीते लेकिन वो उनकी पार्टी के वो CM रहते ही हैं। 26 जनवरी 1950 को इसे राज्य बनाया गया था। बिहार को विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं यहाँ। तो विधान परिषद में यहाँ 75 सीटें हैं, विधानसभा में यहाँ 243 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 16 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में 40 सीटें देखने को मिलेगी, ठीक है। बिहार, बिहार देखिए बहुत पुराना राज्य एक तरह से। कौन भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है? भारतीय पर्वतारोहण की प्रथम महिला अध्यक्ष, अगर हम लोग इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की बात करें, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की, तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। निर्मला राव, अवधि त्रिपाठी, हर्षवंती बिष्ट और दृष्टि जैन। तो याद रखिए हर्षवंती बिष्ट होंगी इसमें, कौन होंगी? हर्षवंती बिष्ट। 28 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 67वां, 69वां, 71वां या फिर 73वां? तो याद रखिए 73वां मनाया गया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के बारे में आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने भाग भी इसमें लिया होगा 10वीं 12वीं के समय 11वीं के समय। तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा एक तरह से। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? रमन शर्मा, दीपक चौकसी, विवेक जोहरी, आनंद देसाई। तो याद रखिए विवेक जोहरी बने हुए हैं इसके। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC के अध्यक्ष बने हुए हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा, नॉर्थ ब्लॉक में, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की हुई है? मणिपुर, असम, मेघालय, सिक्किम। तो याद रखिए मणिपुर में ही की हुई है। और मणिपुर आप सभी जानते हैं कि पूर्वी भारत में एक राज्य आपको देखने को मिलेगा मणिपुर, समझ रहे हैं। इसे 15 अक्टूबर 1949 में इसे राज्य भारत में मिला लिया गया था और इसकी राजधानी आप सभी को मालूम है कि इम्फाल है। यहाँ विधानसभा में 60 सीटें देखने को मिलेगा, राज्यसभा में एक है, लोकसभा में दो हैं। एन बीरेन यहाँ सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में। तो ये भी आप लोग, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए CEO बने हुए हैं?
बताइए, ट्विटर, ट्विटर तो आप लोग चलाते होंगे, कई लोग आप लोग कैंपियन भी चलाते रहते हैं परीक्षाओं के लिए। नवीन सिंह, कुलदीप शर्मा, पराग अग्रवाल, गौरव जैन। तो याद रखिए पराग अग्रवाल, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 21 मार्च 2006 में आया था ये, इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में देखने को मिल जाएगा इसका, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। कौन कैरिबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र देश बना है? जमैका, बारबाडोस, एंटीगुआ, क्यूबा। तो याद रखिए इसमें बारबाडोस होगा, क्या होगा? बारबाडोस। तो सोचिए अभी भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। अटलांटिक महासागर के पश्चिमी हिस्से में कैरिबियाई द्वीप पर स्थित इस देश को अंग्रेजों ने अफ्रीका और भारत से गन्ना उत्पादन के लिए लाए गुलामों की मदद से आबाद किया था, ठीक है। इसकी राजधानी ब्रिज टाउन है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस रहे हैं आपकी नवंबर में जो भी आपकी घटनाएं घटी थी उनसे जुड़े हुए, और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहेंगे, और आप लोग एंजॉय करते रहिए। अभी तक हम लोग 11 महीने का करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं, अब हम लोग लास्ट महीना यानी कि दिसंबर का भी कवर करेंगे, ठीक है। और जब भी आप लोग पेपर देने जा रहे हो तो इन्हें देखकर आप लोग जा सकते हैं, और भी जितना रहेगा उसे भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक।